तो भाई इस बच्चे को तो यकीन आ ही नहीं रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे उसको देना पड़ेगा प्रूफ। पहली बात तो ये कि आपको लग रहा है मैं आपसे कर रहा हूँ मजाक। सीन हो गया ये कि हमें वो झींगे वाले ने झींगे बहुत छोटे दे दिए। अस्सलाम वालेकुम, इंडिया बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई कुछ अर्से पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, अली के साथ प्रैंक किया था कि मैं जा रहा हूँ दुबई, जिस पर वो बहुत रोया था, बहुत दिल छोटा हो गया था। लोगों ने कमेंट्स भी किए, उसके कुछ दोस्तों ने उसका मजाक भी बनाया कि भाई अली रो गया, लेकिन वो वाकई दिल छोटा हो गया था कि बाबा जा रहे हैं। फाइनली भाई आपके भाई का जो है वो दुबई से आ गया है बुलावा, और आपका भाई जो है ना कल नहीं परसों इंशाल्लाह दुबई के लिए निकलना है यहाँ से। लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, यूट्यूब के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो हमारी फैमिली है, पहले आपको बताया। अब सोच रहा हूँ अली को कैसे बताऊँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोबारा कहीं ना रोए। तो भाई व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, आ जाएं। अली इस वक्त टीवी वाले कमरे में टीवी देख रहे हैं, जाके उसको बताता हूँ, ये खबर उसको देता हूँ जाके मैं। हेलो मानो। हाँ भाई साहब, क्या हाल है आपके? क्या टीचर बन के बैठे हो? बल्कि बैठे नहीं, लेटे हो पूरे। अली आपके लिए एक सरप्राइज है दोबारा। क्या? मैं जा रहा हूँ अब की बार दुबई। मजाक जिक्र हूँ, पहले मजाक बन गया तो लोगों ने इतना मजाक उड़ाया था ना, मैं रोया था इतना, मजाक नहीं किया करूंगा। चुप, बिल्कुल चुप। इस बार मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में जा रहा हूँ। नहीं, अरे मुझे पता है इमरान पापा तेरे को मजाक कर रहे होते हैं। मजाक कर रहे हो? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मजाक कर रहा हूँ। हाँ मजाक कर रहे हो, कौन सा डील में चले जाओगे? भाई अभी मैं इसको कैसे समझाऊं कि भाई मैं वाकई में मैं जा रहा हूँ, उसको यकीन ही नहीं आ रहा है यार। पता चलेगा, पैकिंग शुरू की ना मैंने। पहले भी आपने ऐसी कहा था, पैकिंग करके रखी हुई थी पहले से। चीटिंग करता है तू यार अली, मुझे बस ये डर है कि आप रोने जाओ, बस मुझे लगता है आप रोगने भी स्ट्रांग हो गए। आप हो गए भाई, नहीं रहे तो रोऊंगा वैसे। इसका क्या करूं भाई मैं, इसको मैं आप लोग कोई खत मत लिखे, इसको कोई ईमेल करें कि बाबा वाकई में जा रहे हैं। मस्त प्लानिंग। भाई इस बच्चे को तो यकीन आ ही नहीं रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे उसको देना पड़ेगा प्रूफ। पहली बात तो ये कि आपको लग रहा है मैं आपसे कर रहा हूँ मजाक, मेरा और आपका मजाक है कहीं? मुझे 100% पता है। भाई मेरा आपका कोई मजाक है क्या? कोई है मजाक? ये है मजाक? सबूत चाहिए ना आपको? हाँ। अभी दिखाता हूँ, अब दिखाओ ना सबूत। ये कैमरा पकड़ो, आप मोबाइल पकड़ो, चलो इधर आओ। मैं आपको मेरे पास यहाँ पर जो टिकट आ गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया है टिकट, ठीक है मेरा भाई। ये है मेरा वीजा, ये देख रहे हो आप, ये आपका बाबा कितना खूबसूरत था पहले। मैं नहीं मानता, वीजा लग गया है 25 मार्च तक वीजा लगा हुआ है। देखा अभी? मेरा भी टिकट दिखा दो। अभी एक मिनट रुको। हाँ आपका टिकट दिखाया तो बेहोश हो जाएगा। ये आ गया है मेरा होटल रिजर्वेशन, ये देख लो, 21st से 29th तक। अब आया है कि रुको, टिकट भी दिखाता हूँ। ये तो होटल आ गया, ये देख लो, ये टिकट है। तो रोना शुरू हो गया वाकई में यार। अरे यार अली ऐसे नहीं करो यार, मुझे पता था कि ये यही करेगा, लेकिन मुझे लगता है इस दफा ये नाटक कर रहा है, कुछ सच वाला नहीं हो रहा। देखो ये मैंने बोला ना नाटक कर रहा है। पता है आपने 2023 लिखा हुआ था। अबे चल बे शान, चल कर। तो भाई एक दो दिन में मैं जा रहा हूँ, और मैंने घर में फरमाइश की थी कि मेरे लिए जो है वो मजेदार सी बिरयानी बना लें। कुछ पूछा मैंने कुछ, क्योंकि घर का खाना फिर मैं बड़ा मिस करूंगा। वहां पर खाने तो मिलेंगे अलग अलग, लेकिन घर का खाने की बात अलग है। तो झींगे की बिरयानी बनवाई है मैंने, जो कि प्रोसेस में चल रही है, लेकिन खुशबू जो है ना अभी से इतनी जबरदस्त आ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा बस। बाबा किसमें जाएंगे? दुकान जा रहे हैं, इसको यही लग रहा है बाबा दुकान जा रहे हैं, क्योंकि रोज बाबा दुकान ही जाते हैं। अभी इसको जब जा रहा हूँ तो पता चलेगा इसको। 2000 years later। तो भाई फरमाइश करके जो हमने बनवाई है झींगे की बिरयानी, वो तैयार हो चुकी है, और सबर नहीं हो रहा बिल्कुल। जल्दी जल्दी बिरयानी लेते हैं और चेक करते हैं कैसी बनी। शक्ल तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है इसकी, सूरत अच्छी है तो सीरत भी अच्छी ही होगी,
क्यों अली? जैसे मैं हूँ। यार सही बात है, सूरत भी अच्छी है आपकी वैसे। बताओ ना। हमारे साथ सीन हो गया ये कि हमें वो झींगे वाले ने झींगे बहुत छोटे दे दिए। मैंने जब उससे लिए थे, मैं ऊपर खड़ा था, नीचे इसको मैंने ऑर्डर दिया कि भाई झींगे तोल दो ना, तो उसने मुझे नीचे से दिखाया, बोला झींगे बड़े हैं, लेकिन अब देख रहा हूँ तो बहुत ही छोटे झींगे। खैर छोटे झींगे भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो पहला बाइट लेते हैं, देखते हैं कैसी बनी बिरयानी। देखने में तो यम्मी लग रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ा आया? बहुत ज़बरदस्त भाई। बाबा तो हाँ जी, आपके दुबई जाने से पहले बिरयानी? हाँ दुबई जा, घर की, दुबई जाने से पहले बिरयानी मिल रही घर की। अब जब मैं वापस आऊँगा तब मिलेगी बिरयानी, तो हम जल्दी से अपना डिनर इन्जॉय करते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया मैंने, और फिर मैंने अभी दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई उनसे भी जाके मिल लूँ, क्योंकि फिर कल का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरेगा और परसों हमने निकलना है, तो जाके देखूँ वो आ गए हैं, और कुछ चाय वगैरह वहाँ बाहर ही पी लेते हैं फिर। तो भाई राजा साहब आ गए हैं। राजा साहब कैसे जानिए, आप खैरियत से? ठीक है आप सुना खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पीने चाय पीने चले ये बताओ? खड़ा चलते हैं चाय पीने के लिए, खड़ा जाना हमको, क्योंकि राजा से दोबारा मुलाकात होगी नहीं किसी, आज आखिरी दिन छुट्टी का, कल नहीं तो परसों मैं निकल जाऊंगा इंशाल्लाह फिर। इंशाल्लाह ठीक है राजा। ठीक है भाई।